लगाई था इसके लिए जूम लेंस चाहिए होगा। अब मैं युमिको को पक्षी की तस्वीर देने का वादा कैसे पूरा करूँगा? जैसे ये इतना आसान है। हे ऊपर वाले, युमिको को दिया हुआ वादा पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए एक फोटो खींचना चाहता हूँ। हाँ, वो क्या है? हाँ, UFO! कैनी जी के शब्दों में, 29 जुलाई शाम के लगभग 6 बजे ये मंदिर के पास पक्षियों की तस्वीर खींच रहा था। ठीक उसी वक्त मुझे अचानक पश्चिम से एक UFO आता हुआ दिखाई दिया। ये उसी की तस्वीर है। कमाल कर दिया कैनी जी। हूँ ना मैं एक काबिल फोटोग्राफर। बड़ा आया फोटोग्राफर। चलो चलो पीछे हटो। मैं पास से जाकर देखता हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, पर ये तो असली ही दिख रहा है। अगर ऐसा है तो हमें मार्शियंस के साथ हाथ मिलाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मैं आज शाम को जाकर देखूंगा। मुझे भी साथ चलना है। मैं भी चलूंगा, मुझे UFO की और तस्वीरें खींचनी है। मुझे नहीं लगता कि UFO इतनी आसानी से दिखते हैं सर। मुझे बताओ ये UFO क्या है केनी जी? अनजान उड़ने वाली चीजें जो अंतरिक्ष से धरती पर आती हैं उन्हें UFO कहते हैं। तो क्या वो सितारों पर बैठकर आते हैं? क्या वो कोई शहजादे हैं? नहीं, वो कोई शहजादे नहीं होते। UFO एक उड़न तश्तरी है जो आसमान में उड़ती है। अच्छा, तो ये है वो UFO। ये तो हमारे इजाफा कोई औजार है। चल तैयार होते हैं। हथौड़ी, तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? नहीं, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, मैं अगली बार चलूंगा। अच्छा ठीक है हथौड़ी, मैं ढेर सारी तस्वीरें खींचूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। बाय बाय। चलो जल्दी, देर हो रही है। चलो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। डिंग 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 डिंग। चलो जल्दी बैठते हैं। क्या यही वो जगह है जहाँ तुमने UFO देखा? कहाँ कहाँ? समझा, वैसे ये ऐसी जगह है जहाँ UFO देख सकते हैं, लेकिन अब हमें दिखाई दे तब तो। वो देखो तारा टूटा। बताओ तुमने क्या इच्छा मांगी युमिको? मैंने मांगा कि मुझे UFO दिखाई दे। तुम्हें वो नहीं मांगना चाहिए था, वो तो केनी जी का वहम था। मैंने उसकी तस्वीरें खींची थी, वहाँ सच में UFO था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ है, मैं तो जा रहा हूँ। रुको हमारा, अगर सच में UFO दिखाई दे तो? तो फिर तुम देख लेना, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। उसे जाने दो युमिको, उसे दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता था कि ये तुम्हारा ही काम होगा। मैं मिनटों में सारा खेल खत्म करने वाला था। हमारा, तुम केनी जी को झूठा साबित करना चाहते हो? चाहे जो भी हो, आज फैसला हो ही जाए हथौड़ी। देखो वो फिर से आ गया। ये वो आ गया। जी फोटो खींचो। हाँ, अभी खींचता हूँ। मेरे प्लेट तो खत्म हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार जीत तुम्हारी हुई, मैं तो चला। अरे वाह, मैंने तो ढेर सारी तस्वीरें खींच ली, मजा आ गया। ओ, इस शहर में UFO वालों का केंद्र है, अब हम क्या करेंगे? कितनी बढ़िया तस्वीरें खींची है मैंने। कैसे हो तुम केनी जी? हाँ, हथौड़ी देखो, कल मैंने जो तस्वीरें खींची थी वो आ गई है। जरा देखो और बताओ कि ये कैसी है। जिसे तुम UFO समझ रहे हो वो असल में ये है केनी जी। हाँ, क्या क्या मतलब है? हाँ,
सच कहूँ तो मैं उस दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि उससे इतना बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई दोस्त। हथौड़ी, अब मैं टीचर और युमिको को क्या कहूँगा? वो क्या सोचेंगे? मुझे इस बात का अफसोस है। मेरा बन खा गया। रुको, एक ब्रेड के लिए इतना नाराज मत हो कंजूस। मेरा बन वापस करो हमारा। अच्छा, इतनी हिम्मत है तो खुदा का ले लो, मैं भी देखता हूँ। यहाँ हथौड़ी नहीं है तो क्या तुम तंग करोगे? हथौड़ी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हाँ, मैं किसी का भी हिलना डुलना एक पल के लिए रोक सकता हूँ। हथौड़ी, तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी यकीनन कर सकते हो। हाँ, प्लीज मुझे भी सिखा दो ना, मुझे भी ये निंजा टेक्निक सीखनी है। अभी आजमाता हूँ। डिंग 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 डिंग। ये गलत बात है, निंजा टेक्निक को गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुझे माफ कर दो, मैं उसे सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तब भी तुम तुरंत नहीं कर पाओगे। मैं ढेर सारी प्रैक्टिस करूँगा। क्या वाकई करोगे? तुम्हें दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे के निची? जान चीजों पर करना थोड़ा मुश्किल है, जिनमें जान है, दिल है, उन पर करना थोड़ा आसान होता है। समझा शीशी मानो। क्या हुआ? निंग 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 निंग। हाँ। उसे डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शीशी मानो जैसे सीधे साधे जीव पर करना आसान है। ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। पेशन आए। निंग 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 निंग। तो सीधे साधे इंसानों पर जल्दी असर होता है। सही है। पापा आ गए। डिंग 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 डिंग। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना केनेची? मैं अभी तक ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि तुमने अभी ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है। ध्यान लगाओ और याद रहे कि तुम्हारी सांस से मोमबत्ती की लौ बुझनी नहीं चाहिए। संभल कर संभल कर केनेची। अभी इसे वक्त लगेगा। डिंग 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 डिंग। हाँ, डिंग डिंग डिंग। हाँ, मैंने कर दिखाया, हथौड़ी में कामयाब हुआ। हाँ, मैं कामयाब हुआ, मैंने कर दिखाया। क्या कर रहे हो? डिंग डिंग डिंग। हाँ, मैं कामयाब हुआ, मैं कामयाब हुआ, मेरी ट्रेनिंग का फायदा हुआ। हथौड़ी, तुम दोनों ने रुकने का नाटक क्यों किया, बताओ? वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा था, मैं तो सिर्फ उसका हौसला बढ़ाना चाहता था। ओ, मैं भी। अगर उसने किसी और पर आजमाइश की तो मुसीबत हो जाएगी। डिंग 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 डिंग। हाँ। अरे वाह, ये क्या रुक गया। देखा के क्यों, इसे लगता है कि इसके निंजा तकनीक से गाड़ी रुक गई। इसे और बुद्धू बनाते हैं। बड़े आए मुझे बेवकूफ बनाने वाले। डिंग 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 डिंग। आइंदा कभी मुझसे पंगा मत लेना, समझे? डराने आए थे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, युमिको आ गई। निंजा टेक्निक इस पर आजमाता हूँ, अगर कामयाब हुआ तो मजा आ जाएगा। निंग 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 निंग। हाँ।
है केनिची को अभी भी एहसास नहीं हुआ है। अजीब बात है, हमारा पर तो असर हुआ था। केनिची, इस वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ है? एक बार सर पर आजमा कर देखता हूँ। हरकतें करते हो, निकल जाओ क्लास से। अरे ये तुम्हें क्या हुआ केनिची? तुम्हारा मुंह खुला का खुला क्यों है? देखा, यहाँ पर तो लेने के देने पड़ गए। टीचर ने ही केनिची को रोक लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा चलो अब ये परोस दो। क्या खुशबू है इसकी? क्या निशाना है? मम्मी मैं आ गया। ओफो, ये क्या बेटा, आते ही सीधे खाना शुरू कर दिया। देखो बेटा, स्कूल से आकर सबसे पहले हाथ मुंह धो लेना चाहिए। जी मम्मी। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए? होमवर्क मैं बाद में कर लूँगा, ऐसे भी क्या जल्दी है हथौड़ी। अपने काम को टालना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब देखो होमवर्क करने के लिए मेरे पीछे पड़ा रहता है। केनिची, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही भलाई है। अरे वाह, क्या जोक है। मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कहा था, जोक पढ़ने के लिए नहीं। मेरी किताब दो मुझे। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें टोकता रहता हूँ। हथौड़ी बस करो, ये होमवर्क करवाए बगैर नहीं मानेगा। हथौड़ी, केनिची, खाने के लिए आ जाओ। अभी आया मैं, चला। रुको केनिची, देखो कैसे निकल गया। खाना तो मजेदार है। अरे इतनी जल्दी 7 बज गए। देखा, टीवी प्रोग्राम के लिए कैसे भाग गया। अब आएगा मेरा मनपसंद शो। इस बार तो कमाल के जेट है। अब हम सब मिलकर कुछ। बिल्कुल आवाज मत करना, चुप रहो, वो अपना होमवर्क कर रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। केनिची उठो, उठो केनिची। कितने बजे? 9 बजने वाले हैं, अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना काम खत्म करो, होमवर्क कर लो। अरे वाह केनिची, लगता है तुमने अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लिया, तभी टीवी चल रहा है। तुम्हें ऐसे ही पढ़ना चाहिए बेटा। मैंने काम शुरू भी नहीं किया। क्या, काम शुरू भी नहीं किया? अगर पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो अब तक तुम कर क्या रहे थे, जरा बताओ। मम्मी, मैं इसमें हथौड़ी की मदद ले सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम काम करते रहोगे मैं भी तुम्हारे साथ जागता रहूँगा। लेकिन काम तो मुझे ही करना है ना, ये गिनती भी ना। अरे बताओ क्या कर रहे हो? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँगा, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। 9 × 2 + 12। एक रास्ता है, तुम्हें जो कहानी लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ। मेरे इस कलम की लिखाई देखकर तुम्हारे सर खुश हो जाएंगे। कुछ साल पहले मेरे एक सख्त सर हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे एक दिन पानी में रहने की सख्त सजा दी और मैंने उनकी बात मान ली और इस तरह मैंने उनका दिल जीत लिया। हाँ केनिची, केनिची जल्दी उठो, माँ ऊपर आती ही होंगी, जल्दी करो। केनिची, केनिची स्कूल का काम हो रहा है कि नहीं? वरना माँ आ जाएंगी। माँ आ गई। केनिची, सर पर ये कपड़ा क्यों रखा हुआ है? बस यूं ही थोड़ी सर्दी लग रही थी मम्मी। अच्छा, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट, गुड नाइट, अब जाइए और मुझे काम करने दीजिए। हथौड़ी ने तुम्हें वाकई कितना बदल दिया है। अरे वाह, मेरी तरकीब तो काम कर गई, बाल बाल बच गए। सोते रहो, सोते रहो। केनिची, चलो उठ जाओ बेटा। सर,
सब लोग कहानी लिख कर लाए हैं? हाँ सर। तो चलो उठो केनिची, जरा सुने तो तुमने क्या लिखा है। मैं क्या करूं? सुना नहीं तुमने? ये बहुत साल पहले की बात है, मैं अपने साथियों के साथ गुरुकुल में रहता था और वहाँ हमारे गुरुजी की बड़ी मूछें थी। अब उन्हें गुस्सा आता था तो उनकी मूछें जोर जोर से फड़फड़ाया करती थी, और अगर कोई बच्चा उनकी मूछों का मजाक उड़ा दे तो उसे बड़ी सख्त सजा देते थे। एक दिन मुझे पानी में डूबे रहना पड़ा था और ये क्या बकवास लिखी है तुमने? मैं आ गया मम्मी। ओफो, ऐसे उदास क्यों हो बेटा? आज स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? सर ने डांटा। अगर उन्होंने डांटा है तो जरूर इसमें तुम्हारी ही भलाई होगी। पर ये क्या, तुम सब लोग क्यों रो रहे हो? वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह वो है। हाँ? ओ वो प्यास, इसने तो हम सबको रुला दिया। याद रखो, अपने स्कूल का काम हमेशा खुद करो केनिची। हाँ, याद रखूंगा।